अब हम पढ़ते हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का जीवन परिचय। इनका जन्म जो हुआ था 20 सितंबर 1911 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु जो हुई थी 2 जून 1990 ईस्वी को हुई थी। नाम इनका था पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। 20 सितंबर 1911 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद के आवलखेड़ा गांव में इनका जन्म हुआ था। पिताजी का नाम पंडित रूप किशोर शर्मा था। माता का नाम दान कुवारी बाई था। इनकी शादी हुई थी, पत्नी का नाम था भगवती देवी शर्मा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवनी में अपने जीवन में एक बात कही थी कि शीघ्र ही गायत्री का एक ऐसा साधक आएगा और वो पूरी दुनिया को प्रकाशित करने का कार्य करेगा। ये बात स्वामी शिवानंद विवेकानंद सरस्वती ने कही थी। ठीक है, माता दान कुवारी बाई था, पत्नी था जो पत्नी का नाम था इनका भगवती देवी शर्मा। तो ये बहुत बहुत पॉपुलर हुए थे, बहुत फेमस हुए। तो ऐसा नहीं है कि शादी करना जरूरी है नहीं जरूरी है, या भगवान को पाना है तो उसके लिए आपको क्या बोलते हैं उसको, ब्रह्मचर्य जीवन ही जीना पड़ेगा, या एक और नाम होता है, मतलब आप संन्यास अनमैरिड रह के जीवन, ही। संन्यास तो अलग चीज होगी, संन्यास तो बाद में मिलता है। नैष्ठिक, ब्रह्मचारी। हाँ नैष्ठिक ब्रह्मचारी बोलते हैं उसको, नैष्ठिक ब्रह्मचारी। तो ऐसा नहीं कि आपको यही रहना जरूरी है, आप गृहस्थ जीवन में रह के भी ये सब कार्य कर सकते हैं। इनका अन्य नाम था श्री राम मत गुरुदेव, वेद मूर्ति, युग ऋषि गुरुजी। ये युग ऋषि बहुत बड़ा नाम है, वैसे देखने में छोटा सा लग रहा है, तो मैं इसीलिए बता रहा था। जब इनका नाम युग ऋषि भी कहा जाता था इनको, तो ऐसा नहीं है कि आप गृहस्थ जीवन में रह के ये सब कार्य नहीं कर सकते। और जिसमें इनकी पत्नी भी इनके साथ थी, संस्थापक थे ये, अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक थे। उत्तराधिकारी थे श्रीमती सयलबाला पांड्या। इनके गुरु थे सर्वेश्वरानंद जी। ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान की इन्होंने स्थापना की थी सन 1979 ईस्वी को। आचार्य श्री राम शर्मा के अनुसार जीवन साधना ही योग है। इससे पहले हमने पढ़ा था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, उन्होंने योग की परिभाषा बताई थी। कौन बताएगा योग की परिभाषा, उन्होंने क्या बताई थी? सजगता सजगता का क्या विज्ञान ही योग है। विज्ञान ही योग है। उसके बाद हमने स्वामी विवेकानंद जी का जीवन परिचय पढ़ा था, उसमें योग की परिभाषा क्या थी? योग व्यक्ति के विकास को उसकी शारीरिक सत्ता के एक जीवन या कुछ घंटों में संक्षिप्त कर देने का माध्यम है। उसके बाद हमने एक और जीवन परिचय पढ़ा था, उसमें योग क्या था? स्वयं को जानना योग है, स्वयं से महर्षि महर्षि रमन जी के द्वारा बताया था, आत्मनिरीक्षण की आवाज आ योग रही है। है। और जो अरविंद जी घोष थे, उनके यस, उन्होंने बताया था अपने और आप से जुड़ना ही योग है। श्री अरविंद घोष जी ने बताया था अपने आप को, अपने अपने आप से जुड़ना ही योग। आप से चित्त की चेष्टाओं को बहिर्मुखी बनने से रोककर उन्हें अंतर्मुखी करना। जो आपके मन में विचार आते हैं, बार बार इधर उधर आपके विचार जो दौड़ाते हैं आपकी चेष्टाओं को, उनको बाहर न जाकर उनको अंतर्मुखी करना तथा अध्यात्म आध्यात्मिक चिंतन में लगाना ही योग है। ये योग की परिभाषाएं आप याद रखना। इनकी मृत्यु हुई थी 2 जून 1990 ईस्वी को गायत्री जयंती के दिन शांति कुंज आश्रम हरिद्वार में। हरिद्वार में आप जाएंगे तो, मेरी आवाज नहीं आ रही आप सभी को? आ रही है सर। आ रही है? आ ठीक, रही है सर। इनकी मृत्यु हुई थी 2 जून 1990 ईस्वी को गायत्री जयंती के दिन शांति कुंज आश्रम हरिद्वार में। आप हरिद्वार में जाएंगे, हर की पौड़ी आती है, हर की पौड़ी से थोड़ा सा ऋषिकेश की तरफ अगर आप चलेंगे तो राइट साइड में 400-500 मीटर पे आपको राइट साइड में शांति कुंज मिलेगा। ठीक है, यहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। और गायत्री शांति कुंज जो है वो खत्म होते ही DSVV हरिद्वार आता है, ऋषिकेश वाला देव संस्कृति विश्वविद्यालय। आचार्य श्री राम धर्मा द्वारा प्रतिपादित योग साधना को प्रज्ञा योग साधना कहा जाता है। इनकी साधना जो है उसका नाम है प्रज्ञा योग। इससे पहले हमने और भी पढ़ी थी एक साधना, उसका क्या नाम था? इंटीग्रल योग सर।
इंटीग्रल योग, समग्र योग, समग्र योग, इंटीग्रल योग। अरविंद घोष जी का इनकी था शायद। प्रमुख ध्यान साधनाएं हैं, सविता ध्यान साधना, ये अलग से भी है सविता ध्यान साधना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है? इसे तो बस नेम नेम दिया गया, आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा सविता ध्यान साधना। और ये शायद आपके पेपर 2 की यूनिट 10 में है, जी सर, पढ़ाया होगा, पढ़ाया जी सर, आपको या नहीं? मैम ने पढ़ाया आपको सविता ध्यान? जी सर, ज्योति अवतरण की ध्यान साधना, दिव्य अनुदानों की ध्यान धारणा, प्राण अग्नि कुंडलिनी ध्यान, रसानुभूति अमृत वर्षा ध्यान, ठीक है? ये कुछ ध्यान साधना है, इनकी अलग अलग प्रमुख रचनाएं, आध्यात्म एवं संस्कृति, गायत्री और यज्ञ, विचार क्रांति, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, ठीक है, युग निर्माण, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, बाल निर्माण, वेद पुराण एवं दर्शन, प्रेरणा प्रद कथा गाथाएं, स्वास्थ्य और आयुर्वेद। एक और नाम आ गया देखो हमारे सामने, आयुर्वेद से संबंधित, यानी के चिकित्सा से संबंधित, स्वास्थ्य और आयुर्वेद, ठीक है? इनकी प्रमुख रचनाएं थी और इन पे आज भी काम चल रहा है। ये जितनी भी इनकी रचनाएं हैं, इन रचनाओं को लेके आज भी काम चल रहा है। जब इनका गायत्री परिवार का जब उत्सव आता है तो ये बहुत अच्छे से मनाते हैं इनको, और वैसे भी इन पे काम चल रहा है, कुछ ना कुछ मतलब रचनाएं, प्रतिमाएं, कुछ ना कुछ इन पे लिखी जाती है, रचनाएं बताई जाती है, हर बार कुछ ना कुछ पब्लिश होता रहता है। आर्ष वाङ्मय, भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व, समस्त विश्व को भारत का अजस्त्र अनुदान, गायत्री महाविद्या, यज्ञ का ज्ञान विज्ञान, युग परिवर्तन कब और कैसे, समय में देवत्व का जागरण, समग्र स्वास्थ्य, यज्ञ एक समग्र उपचार प्रक्रिया, ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, ये हमने और कहाँ पढ़ने को मिला था, कोई बताएगा बच्चा? सर दयानंद जी के नहीं, दयानंद जी के बारे में कहा था, या तो रमन जी ने। सर स्वामी विवेकानंद, क्या कहा था, थोड़ा बताएं, थोड़ा बताएंगे क्या कहा था? स्वामी विवेकानंद ने सर जो है अपने गुरु पूछा था जी से कि ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा दिखता है। स्वामी विवेकानंद ने से पूछा था कैसा दिखता है। उसके अलावा आपने कहीं पढ़ा है ईश्वर कैसा है? सर ये उसमें भी है, स्वामी दयानंद, उपनिषद में भी है क्या सर? ईश्वर की परिभाषा कहाँ है ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे, पढ़ा आप कहीं आपने? योग दर्शन में, योग दर्शन में पढ़ा है ईश्वर की परिभाषा। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र, जीवेम शरदम शतम, 100 साल तक कैसे जिए, विवाह उन्मोद, समस्या और समाधान, ये बहुत अच्छी पुस्तक है। जिनकी शादी नहीं हुई या होने वाली है आप इसको पढ़िए, बहुत अच्छी पुस्तक है, इसमें समस्याएं भी है समाधान भी है। मदन मोहन मालवीय ने इनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया था, यानी के इन्होंने इनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया और गायत्री मंत्र की दीक्षा भी दी थी। सन 1927 ईस्वी से 1933 ईस्वी तक का इनका जीवन एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी के रूप में रहा। बाबू गुलाब राय व श्री कृष्ण दत्त पालीवाल के अनुभव का लाभ लेते हुए श्री राम शर्मा ने अखंड ज्योति नामक पत्रिका का पहला अंक बसंत पंचमी के दिन सन 1938 ईस्वी में प्रकाशित किया था। अभी कोई बता रहा था कि अखंड करके इनका कुछ था, अखंड इनकी पत्रिका थी, वो पत्रिका नहीं थी और ना अखंड शांति कुंज ऐसा कुछ नाम है या अखंड गायत्री परिवार ऐसा कुछ, अखंड ज्योति इन्होंने एक पत्रिका नाम जी से एक पत्रिका प्रकाशित की थी 1938 ईस्वी में, ठीक है? तत्पश्चात श्री राम शर्मा ने मल प्रताप प्रलाप
पत्रिका में छपे अपने लेखों एवं गीतों के द्वारा युवाओं में क्रांति की ज्योत जगाने लगे। मानव मात्र के कल्याण के लिए अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना स्वयं आचार्य श्री राम शर्मा के द्वारा सन 1950 के दशक में की गई। इस संस्था के द्वारा विचार क्रांति अभियान, ये बहुत अच्छे से अभी भी चलता है, प्रज्ञा अभियान चलाए गए, जिसका उद्देश्य व्यक्ति में वैचारिक परिवर्तन लाकर समाज का उत्थान करना था। एक विचार है जिनको बदलना बहुत जरूरी है, वो विचार ही थे जब अर्जुन अपने गांडी को घेर के कह रहे थे कि सामने मेरे चाचा ताऊ मामा है, और फिर वो श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने उनके विचारों को बदला और उन्हें फिर से गांडी को उठाया, और महाभारत हुई और फिर सत्य की जीत हुई। ठीक है, अगर वो विचार ना बदल पाते श्री कृष्ण भगवान, तो शायद वो वहीं रह जाता और फिर दुर्दशा आगे जो भी होनी थी वो तो आगे की बातें थी। मतलब एक राजघराने की औरत के साथ इतनी दुर्दशा हो सकती, तो आम जनमानस के लिए तो बहुत जीना दूभर हो जाता उन दिनों। सन 1958 ईस्वी में मथुरा में शास्त्रीय कुंडी गायत्री महायज्ञ के समय पंडित श्री राम शर्मा ने युग निर्माण योजना की नींव रखी थी। युग योजना के अंतर्गत व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण आदि अभियान आचार्य श्री राम शर्मा के द्वारा गायत्री तपोभूमि मथुरा के निर्माण में आरंभ किए गए थे। शांति कुंज हरिद्वार में गंगा तट पर स्थित एक पवित्र स्थान है, जहां अखिल गायत्री परिवार के मुख्यालय है। इस मुख्यालय की स्थापना आचार्य श्री राम शर्मा के द्वारा सन 1971 ईस्वी में की गई थी। यहाँ गायत्री माता का देवालय है, सप्त ऋषियों की प्रतिमाओं के साथ एक भटके हुए देवता का मंदिर भी है। सन 1962 ईस्वी से प्रज्वलित अखंड दीप भी यहाँ स्थापित है। एक अखंड गायत्री अखंड गायत्री वो एक पत्रिका छपी थी और एक अखंड दीप भी चला था इनका सन 1962 ईस्वी से। ठीक है, शांति कुंज की स्थापना की गई थी, इसका मुख्यालय वहीं पे है शांति कुंज में, और 1971 में इसकी स्थापना की थी। इसके अंदर एक बहुत बड़ा हॉल सा है, वो ध्यान का केंद्र है, मेडिटेशन कर सकते हैं वहां बैठ के, कुछ मंत्र से चलते रहते हैं वहां पे, और स्टॉल लगे हुए हैं बुक्स के, आप अच्छी अच्छी बुक्स खरीद सकते हैं बहुत सस्ते में, रहने की खाने पीने की सब व्यवस्था वहां पे। और यहाँ एक सप्त ऋषियों की प्रतिमा है, गायत्री माता का देवालय है, और एक भटके हुए देवता का मंदिर भी है। भटके हुए देवता का मंदिर ऐसे है कि जैसे इन्होंने अपने योग की परिभाषा में बताया कि अपनी चेष्टाओं को बहिर्मुखी से अंतर्मुखी करना है, तो भटके उसमें कांच का है, तो उसमें आप देखोगे ना इधर उधर से, तो सब जगह से आप किसी किसी अलग अलग एंगल से नजर दिखेंगे उसमें। तो उसमें ये बताया कि इंसान जो है वो भटका हुआ, उसको स्थिर होने की जरूरत है, अपने आप को जितना उसके सूक्ष्म 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 करें। सन 1962 ईस्वी से प्रज्वलित अखंड दीप भी यहाँ स्थापित है। ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान हरिद्वार में ही गंगा के किनारे शांति कुंज के पास स्थित एक अनुसंधान संस्थान है। इसकी स्थापना आचार्य श्री राम शर्मा ने सन 1979 ईस्वी में की थी। गायत्री परिवार के संस्थापक आचार्य श्री राम शर्मा ने दिव्य स्वप्न को साकार करने के उद्देश्य से 11 अप्रैल 2002 ईस्वी को देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पंडित श्री राम शर्मा ने सन 1984 ईस्वी में पंचकोशीय साधना में प्रवेश किया और सन 1990 ईस्वी तक लगभग 6 वर्ष तक इसी साधना में लीन रहे। इसके बाद इन्होंने स्वेच्छा से 2 जून 1990 ईस्वी को गायत्री जयंती के दिन प्रातः 8:05 पर गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए गायत्री जयंती के दिन प्रातः 8:05 पे गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए 80 वर्ष की उम्र में स्थूल शरीर को छोड़कर सदा सदा के लिए ब्रह्म तत्व में
विलीन हो गए। ठीक है, उसके बाद 11 अप्रैल 2002 को इनके जो शिष्य थे उन्होंने इनके सपनों को साकार करते हुए देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 19 सितंबर 1994 को भाद्रपद पूर्णिमा के दिन श्रीमती भगवती देवी शर्मा भी ब्रह्म तत्व में विलीन हो गई थी। ये कौन थी भगवती देवी? इनकी सर इनकी पत्नी थी। पत्नी हाँ ठीक है, 19 सितंबर 1994 को भाद्रपद पूर्णिमा के दिन श्रीमती भगवती देवी शर्मा भी ब्रह्म तत्व में विलीन हो गई। हमने पढ़ा था स्वामी दयानंद जी का जीवन परिचय, उसमें आया था कि वो दीपावली के दिन उन्होंने अपनी इच्छा से अपने प्राणों की आहुति दी। इसमें देखिए गायत्री जयंती के दिन स्वेच्छा से, स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से। ठीक है, तो जो दिव्य जो आत्माएं होती हैं ये अब जब अपने प्राणों का त्याग करते तो कुछ स्पेशल ओकेजन देखती, जैसे पूर्णिमा, एकादशी, अष्टमी। ठीक है, जैसे गायत्री जयंती के दिन है, ये भाद्रपद की पूर्णिमा थी, उधर दिवाली थी, तो जो स्वेच्छा से अपना प्राणों का त्याग करते हैं कुछ स्पेशल ओकेजन ढूंढते हैं। रीजन तो मुझे भी नहीं पता, पर जहां भी पढ़ा है वो ऐसे ही मिला है सुनने में। आया, ये इनका जीवन परिचय था पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का। इसको लेके किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो आप बताइएगा। सबको समझ में आया? यस और नो? जी सर, यस सर। जी, किसी बच्चे का कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक है जी, कल आपकी क्लास नहीं है, परसों आपकी क्लास नहीं है बाकी, पर मेरी क्लास कल होगी आपकी। मैं सर को बोल दूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा मैं। और परसों तो आपका एग्जाम है, परसों क्लास नहीं रखेंगे। ठीक है।